हेलो एवरीवन, दिस इज सविता शर्मा। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नियर है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। डेफिनेटली आपके लिए बातें काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन किस तरह से आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। जिस तरह के क्वेश्चन आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स में पढ़े हैं या फिर आप जिस तरह से गैस पेपर में तैयारी करते हैं, बट क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आप बैठते हो तो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपको प्रेजेंट किया जाता है और आप बिल्कुल टेंशन में आ जाते हो कि इस तरह के क्वेश्चन तो हमने पढ़े ही नहीं है। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी क्वेश्चन आपने पढ़ा है, अपने अपने तैयारी की है जिस क्वेश्चन की, आपका अगर वो कॉन्सेप्ट सेम है तो आप उसको वैसे ही लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके उसमें आप फेरबदल कीजिए, चेंजेस कीजिए और क्वेश्चन को आप वैसे ही लिखिए। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी इस वीडियो में कि किस तरह से क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कॉपरेट कीजिए। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आपसे किस तरह से पूछा गया है। ओरिजिनल जो बुक में क्वेश्चन होगा या फिर आप टेक्स्ट बुक्स में पढ़ेंगे तो इसमें होगा कि दैनिक अनुसूची तैयार करते समय ध्यान रखने वाले कारक कौन कौन से हैं। बच्चों के लिए दैनिक अनुसूची तैयार करते समय कौन से कारक ध्यान में रखने हैं। अब देखो, एग्ज़ाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी क्वेश्चन को कितने डिफरेंट तरीके से पूछा जाएगा। आपसे शाला पूर्व शिक्षक द्वारा तैयार की गई एक सप्ताह की पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया है। ऐसा करते समय आप किन पहलुओं को ध्यान में रखेंगे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम जो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ टेक्स्ट बुक में, इस तरह से आपका है। बट जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो उस क्वेश्चन को इस तरह से डिफरेंट तरीके से बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है ये एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर से लिया गया है और क्वेश्चन पेपर में इस तरह से आपसे डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। जबकि आप जब टेक्स्ट बुक्स में तैयारी करते हो तो कुछ और तरीके से पूछा आप तैयारी करते हो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्ज़ाम में कि अब ये क्या क्वेश्चन। जबकि ये बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है इसमें। हमने वो चीज़ें ध्यान में रखनी है जो कि बच्चों की हम दैनिक अनुसूची तैयार करते हैं, तो हम कौन कौन सी बातें ध्यान में रखते हैं, कौन कौन से कारक हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो जब हम बच्चों के जब हम किसी भी शिक्षक द्वारा तैयार गई सप्ताह की पाठ्यचर्या का हम जब मूल्यांकन करते हैं तो भी हमें वही बातें ध्यान में रखनी है और वही लिखनी है हमने। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। सबसे पहले तो देखो, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हो तो आधा आपका काम तो वैसे ही सॉल्व हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह से डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब देखिए, आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि एग्ज़ाम में आप जो भी आप लिख रहे हो उसको अच्छे से स्पष्ट तरीके से लिखिए, हेडिंग दें। और जैसे कि ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा इस क्वेश्चन को, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आता है तो 5 हेडिंग आप दे सकते हो। 5 हेडिंग प्लस शुरू में आप भूमिका थोड़ा सा दीजिए और लास्ट में निष्कर्ष दीजिए, तो आपका पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ठीक है, 5 पॉइंट्स के साथ, 5 हेडिंग्स के साथ निष्कर्ष अगर आप देते हो तो 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप दे सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं फटाफट से। और देखो, पाठ्यचर्या बनाते समय मैंने क्वेश्चन से ही आधा निकाल दिया होता है, या क्वेश्चन से ही निकाला होता है। और जो भी ये मैं क्वेश्चन आपको नोट्स बनाती हूँ, ये नोट्स आपको कहीं भी बुक्स में या फिर गैस पेपर्स में कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मैंने सेल्फ प्रिपेयर की होती है, खुद मेहनत से आंसर्स निकाले होते हैं। तो काफ़ी डिफरेंट होते हैं ये, और इस तरह से डिफरेंट आंसर आप जब एग्ज़ाम में लिखते हो तो एग्जामिनियर का भी आपका टेंशन मिलता है, क्योंकि आपका आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। सेम सेम आंसर पढ़ते जाएंगे एग्जामिनियर तो वो भी बोर हो जाते हैं, और जब कुछ डिफरेंट सा आंसर मिलता है, बच्चे ने खुद लिखा होता है ऐसा लगता है उनको, तो डेफिनेटली आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो देखिए, पाठ्यचर्या बनाते समय शिक्षक द्वारा क्रियाओं तथा गतिविधियों का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। सबसे पहले हमने बता दिया कि हमें इस कॉन्सेप्ट का पता है कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो जब शिक्षक पाठ्यचर्या बनाता है कोई भी, तो उसमें जो जो भी क्रियाएं करवाता है या गतिविधियां करवाता है उसका क्या लक्ष्य है, ये हमें उस पाठ्यचर्या से स्पष्ट होना चाहिए। क्रियाओं द्वारा बच्चों के किन कौशल एवं योग्यताओं को प्रोत्साहन मिल रहा है, यह बात भी स्पष्ट होनी चाहिए। शुरू में ही हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल दिया है ताकि उसका पूरा अटेंशन आपको मिले। किन कौशलों का, देखो ये हम मूल्यांकन करते समय ध्यान रखेंगे, हमें मूल्यांकन करने के लिए कहा गया है पाठ्यचर्या का, तो हम देखेंगे कि बच्चों जो भी क्रियाएं उसमें पाठ्यचर्या में सम्मिलित की गई है उन क्रियाओं से बच्चों के किन कौशल और योग्यताओं को प्रोत्साहन मिल रहा है, ये हमें उस पाठ्यचर्या से स्पष्ट होना चाहिए।
अतः मूल्यांकन करते समय हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो। और फिर सबसे पहले आपकी हेडिंग दे दोगे आप, शुरू में आपने थोड़ी सी भूमिका दे दी और फिर आप हेडिंग दोगे अपनी, पाठ्यचर्या में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए गतिविधियाँ, ठीक है। अब जो भी पाठ्यचर्या बनाई है शिक्षक ने, हमने हमें उसका मूल्यांकन करना करने के लिए कहा गया है, तो हम देखेंगे कि हमें शिक्षिका द्वारा बनाई गई पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखना है कि शिक्षिका द्वारा तैयार पाठ्यचर्या द्वारा बच्चों के विकास के सभी क्षेत्र जैसे संज्ञात्मक, भाषाई, शारीरिक, क्रियात्मक विकास को बढ़ावा मिले, ये सभी पाठ्यचर्या से परिलक्षित होना चाहिए। तो जो भी पाठ्यचर्या शिक्षिका ने बनाई है हफ्ते भर के लिए, 7 दिनों के लिए, उससे जो बच्चों का विकास है वो सर्वांगीण होना चाहिए सभी तरह से, चाहे वो भाषाई विकास से संज्ञात्मक, शारीरिक, ये सारी एक्टिविटीज़ उसमें सम्मिलित होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि बच्चों के ये सभी विकास हो। और ये सभी पाठ्यचर्या से हमें परिलक्षित होना चाहिए। तो ये फर्स्ट हेडिंग हो गई आपकी। और सेकंड, पाठ्यचर्या द्वारा खेल क्रियाओं का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, जैसे कि जो भी खेल क्रियाएं उसमें सम्मिलित की गई होगी शिक्षिका ने उस पाठ्यचर्या में, उसका लक्ष्य क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे मूल्यांकन करते समय। शिक्षिका द्वारा 1 सप्ताह की पाठ्यचर्या में विकास के प्रत्येक क्षेत्र के लिए कुछ खेल क्रियाओं की योजना है, ये देखना है हमने। इसके साथ ही प्रत्येक खेल क्रिया का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, खेल क्रिया से क्या किस चीज़ का लक्ष्य की प्राप्ति की जा रही है, ये स्पष्ट होना चाहिए। सेकंड हो गया। थर्ड, आप विकास, शारीरिक विकास को महत्व, जो भी पाठ्यचर्या बनाई गई है शिक्षिका के द्वारा उसमें शारीरिक विकास को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, ये मस्ट है, छोटे बच्चों का शारीरिक विकास, ठीक है। तो ये मूल्यांकन करते समय हम ध्यान रखेंगे। तो लिखेंगे, मूल्यांकन करते समय हमें ध्यान रखना है कि शिक्षिका द्वारा जो भी पाठ्यचर्या बनाई गई है उसमें ऐसी क्रियाओं को चुना गया हो जिससे कि बच्चों का शारीरिक विकास हो, बच्चों को ऐसी खेल क्रियाएं जिसमें दौड़ना, रुकना, कूदना, चढ़ना, फेंकना, पकड़ना आदि शामिल हो, ये काफ़ी प्रिय होते हैं ऐसी खेल क्रियाएं। तो क्रिया ऐसी क्रियाओं को और ऐसी क्रियाओं से बच्चों के शारीरिक विकास को बढ़ावा भी मिलता है, तो ऐसी खेल क्रियाएं जरूर सम्मिलित होनी चाहिए उस पाठ्यचर्या में। खेल क्रियाओं में सामंजस्य हो, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो भी खेल क्रियाएं सम्मिलित की गई है उस पाठ्यचर्या में, उसमें हमने मूल्यांकन करते समय ध्यान रखना है कि पाठ्यचर्या में शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ विश्रामदायक खेल क्रियाओं का सामंजस्य हो। मतलब ये नहीं कि पाठ्यचर्या में सिर्फ शारीरिक शारीरिक क्रियाएं सारी, उछलना कूदना हर वक्त, तो बच्चा थक जाएगा ना, उसको रेस्ट भी चाहिए। तो खेल क्रियाएं इस तरह से सामंजस्य होना चाहिए कि शारीरिक खेल क्रियाएं तो हो, बट उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाए जो कि हल्की फुल्की हो, जिससे कि बच्चा बच्चा रेस्ट भी उसको मिले, तो फिर सामंजस्य बना रहता है। दिन में भीतरी खेल क्रिया तथा बाहरी खेल क्रिया दोनों को स्थान दिया होना चाहिए। छोटी तथा बड़ी दोनों मांसपेशियों पर आधारित खेल क्रियाएं पाठ्यचर्या में सम्मिलित हो। देखो, बच्चों की चाहे छोटी मांसपेशियों के लिए अलग एक्टिविटीज़ करवाई जाती है और बड़ी मांसपेशियों की उसके लिए अलग एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, दोनों एक्टिविटीज़ उसमें सम्मिलित होनी चाहिए, इस चीज़ का हम ध्यान देंगे। दूसरा है सामूहिक और व्यक्तिगत क्रियाएँ, तो ये भी देखेंगे कि हम पाठ्यचर्या में सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों तरह की खेल क्रियाओं को सम्मिलित किया गया हो, ठीक है। मूल्यांकन करते समय देखेंगे कि पाठ्यचर्या सामूहिक व्यक्तिगत खेल क्रियाएं सम्मिलित हो, और सामूहिक खेल क्रिया द्वारा सहयोग की भावना बढ़ती है, सामाजिक कौशल को बढ़ावा मिलता है, जबकि जो व्यक्तिगत क्रियाएं उससे बच्चों को अकेले रहने का अवसर भी मिलता है और साथ में खोज करने के अवसर भी प्रदान होते हैं। तो यही है, निष्कर्ष देंगे लास्ट में जरूर। इस प्रकार हम शिक्षिका द्वारा पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करते समय इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखेंगे। शिक्षिका ऐसी क्रियाएं चुने जिससे कि बच्चों का विकास हो, साथ ही क्रियाएं उबाऊ ना हो जिससे कि बच्चे खेल में रुचि ना जाए, ठीक है। इसके साथ ही अनुसूची में प्रत्येक क्रिया के लिए पर्याप्त समय हो जिससे कि बच्चे को क्रिया को पूरा करने का समय प्राप्त हो, ठीक है। एक क्रिया के बाद, मतलब एक क्रिया को करने के लिए पर्याप्त समय हो उसके पास, 40 मिनट्स का, 30 मिनट्स का या 20 मिनट्स का समय हो, और इससे जो है खेल क्रियाओं को जो है अच्छे से करने के लिए उन्हें समय मिल पाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।